प्यारे भक्तों, इस सत्संग प्रवाह में मतलब भागवत भगवान का जो हम आराधन कर रहे हैं, शब्द देह का जो आराधन कर रहे हैं, उसका चतुर्थ सोपान का आरंभ होता है। महाराज परीक्षित जी सुखदेव जी से विनय के साथ पूछते हैं, कहुनाथ अब कहूं नाथ अब अन्य अवतारा जासे मिटा पृथ्वी का भारा। हे नाथ, अन्य अवतार जो हुए हैं उसके बारे में भी मुझे विस्तार से समझाओ, अन्य कथा को कहो कि परमात्मा ने विविध अवतार लेकर पृथ्वी का भार हल्का किया, भार को हर लिया, पृथ्वी के भार को मिटा दिया। सावधान, भीतर देखना है इस बात से कि ऐसा तो नहीं कि हम कहीं पृथ्वी का भार है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, दिखाई देता है कि पृथ्वी का भार ही है, कोई काम का नहीं बंदा, दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकता है, खुद के लिए भी दूसरों का शोषण करता है, ऐसे लोग धरती का भार है। महाराज परीक्षित कहते हैं कि भगवान ने अवतार लेकर पृथ्वी के भार को जो हर लिया, दुष्टों का जो नाश किया, ऐसे अवतारों की कथा कहे हूँ। और कहूँ अब कृपा निधाना दक्ष पुत्र वत्सल गुणवाना। महाराज, कृपा निधान आप तो दया का भंडार है, दक्ष तो पुत्री वत्सल था, पुत्रियां दक्ष को बहुत प्यारी थी, दक्ष स्वयं गुणवान था, भगवती का परम भक्त था, कैसे द्वेष भया मन ते ही, ते के मन में, उसके मन में द्वेष क्यों पैदा हुआ? भगवान शिव के लिए ये भी शाप, शिव का कई विधि लिंगा, शिव का शाप किस प्रकार से उन्हें प्राप्त हुआ ये बताइए। तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन सावधान होकर सुनिए, सुर सम्राट दक्ष एक कन्या आकुति मुनि रुचि संग धन्या। सुन सम्राट दक्ष एक कन्या, हे राजन सुनिए, दक्ष की एक कन्या थी, उसका नाम आकुति, आकुति मुनि रुचि संग धन्या, रुचि मुनि के साथ आकुति का विवाह हुआ और दोनों का जीवन हम कह सकते धन्यो गृहस्थाश्रम, ऐसा उत्तम गृहस्थाश्रम चल रहा था दोनों का। उसके घर तेही सुत भये, पति पत्नी दोनों अगर योग्य होते हैं, दोनों का जीवन अगर श्रेष्ठ होता है, दोनों परोपकारी होते हैं, पति पत्नी दोनों के, दोनों का स्वर एक होता है, जो बड़े तालमेल से प्रेम से जीवन में जीवन जो चल रहा हो, तो उसके घर परमात्मा को जन्म लेने का मन होता है। तेही सुत भये यज्ञ भगवाना धर्म प्रस्थापन किन्ते नाना। आकुति और रुचि के संग, रुचि के घर भगवान यज्ञ का जन्म हुआ और उसने धर्म प्रस्थापना की और विविध प्रकार से लोगों का कल्याण किया। पूरी श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। अब हम जा रहे हैं एक और अवतार की तरफ। दक्ष सुता कीर्ति ने धर्मा
नरे नारायण जन्म शुभ कर्मा। नर नारायण का जन्म होता है किससे? दक्ष की एक पुत्री जिसका नाम कीर्ति थी, वह कीर्ति धर्म को दी और नर नारायण का जन्म हुआ। बोलिए श्री नर नारायण भगवान की जय। नर नारायण ने कठोर तपश्चर्या की, धर्म का प्रचार किया और धर्म की स्थापना की। फिर दत्तात्रेय अवतार की ओर हम जा रहे हैं। अनसुया से दत्त भगवाना ब्रह्मा विष्णु रुद्र अंशनाना मनुति सर प्रसूति एक सूता। मनुति सर प्रसूति एक सूता ते को दक्ष बिहाई अजपूता। सुनु सम्राट मनु की कन्या आकुति मुनि रुचि संग धन्या। मनु महाराज की आकुति, देहूति और प्रसूति तीन कन्या और दो पुत्र, उत्तानपाद और प्रियव्रत। पुत्रों की बात अभी नहीं है, अभी कन्याओं की बात चल रही है। तो आकुति का विवाह रुचि नाम के ऋषि के साथ हुआ और ये दोनों का धन्य, हम कहते हैं धन्य गृहस्थाश्रम। वाह क्या कपल है, मतलब बाहर से देखने में नहीं, घर के अंदर परस्पर का व्यवहार क्या है, परस्पर का सम्मान, परस्पर का सहयोग, परस्पर को समझना, ये बहुत बड़ी बात है। और पति पत्नी जो परस्पर का सहयोग करेंगे, परस्पर को समझेंगे, परस्पर को प्रेम करेंगे और परस्पर का परस्पर बहुत सौहार्द होंगे, तो ऐसे घर में महापुरुषों को जन्म लेने का मन होता है। तेहि सुत भये यज्ञ भगवाना, आकुति और रुचि के घर यज्ञ भगवान का जन्म हुआ। बोलिए श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। भगवान यज्ञ ने धर्म की स्थापना की और अनेक प्रकार से लोगों को उपदेश दिया। बाद में दक्ष सुता कीर्ति दी धर्मा, दक्ष ने कीर्ति नाम की कन्या धर्म को दी थी। और पिता जिसका धर्म हो वहाँ तो भगवान को आने का मन होता ही है। कन्या का नाम कीर्ति और कन्या के पति का नाम धर्म, तो कीर्ति दी धर्मा, दक्ष सुता कीर्ति दी धर्मा। दक्ष सुता ने कीर्ति नाम की दक्ष ने कीर्ति नाम की सुता को धर्म को दी नर नारायण जन्म शुभ कर्मा। और उन दोनों के परम पवित्र और उच्च कोटि के विचार के कारण, परम पवित्र जीवन और उच्च कोटि के विचार के कारण और उत्तम कर्मों के कारण धर्म प्रस्थापिन किन्न ते नाना नर नारायण जन्म शुभ कर्मा। नर नारायण का शुभ जन्म हुआ। बोलिए श्री नर नारायण भगवान की जय। नर नारायण ने घोर साधना की, धर्म की स्थापना की और लोगों को विविध प्रकार से उपदेश दिया। प्रसंग आगे बढ़ते हैं। माता देवहूति और कर्दम की एक कन्या जिसका नाम था अनसुया, अनसुया से दत्त भगवाना। माता अनसुया से भगवान दत्त का जन्म हुआ। ब्रह्मा विष्णु रुद्र अंशनाना, ब्रह्मा विष्णु रुद्र के अंश स्वरूप भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। इसके पीछे एक उत्तम कथा है, ये मुझे कहनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है। महान कथाएं जगत के माताओं को, जगत के युवाओं को, जगत के पुरुषों को सहजता से उपदेश दे देते हैं, जिसका भार भी नहीं लगता और जीवन भी रूपांतरित हो जाता है। एक बार तीनों देवियों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पत्नियां मिली, इकट्ठी हुई और बात कर रही है कि हमसे तो महान पतिव्रता कोई स्त्री दुनिया में हो ही नहीं सकती, हम तीनों श्रेष्ठ हैं। तब भगवान नारद निकलते, नारायण नारायण क्या बात है। तीनों ने कहा हमसे तो महान और पतिव्रता स्त्री जगत में कोई हो ही नहीं सकती। नारायण नारायण आप गलती कर रहे हो,
सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री 14 ब्रह्मांड में कोई अगर है तो ये है मृत्युलोक की माता अनसुया, मृत्युलोक की स्त्री। और हम तीनों से महान, हमको तो परीक्षा लेनी है, ले लीजिए परीक्षा। लेकिन मैंने तो सच था वो बताया। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पत्नी अपने अपने पति से कहती कि हमसे महान एक नारी अनसुया पृथ्वी पर, ऐसा हमने सुना है, आप जाओ और उनकी परीक्षा लो, पता करो कि क्या हमसे भी श्रेष्ठ है। और ये तो ऐसा है ना कि पहले से लेडीज फर्स्ट, मानना ही तो पड़ता है। ब्रह्मा विष्णु महेश साधु का वेश लेकर मृत्युलोक पर आते हैं। भिक्षा दीजिए माता, माता अनसुया भिक्षा देने के लिए आती है बाहर। तब कहते हैं कि ऐसे नहीं, हमारी तो एक शर्त है, आप निर्वस्त्र होकर भिक्षा दीजिए, तब आपकी भिक्षा हमें स्वीकृत होगी। माता अनसुया ने कहा, आप है कौन, साधु होकर आप ऐसी बात कर रहे हैं, आपको शोभा नहीं देता। ब्रह्मा विष्णु ने कहा, देनी है तो दीजिए, हम कहे इस तरह से, बाकी हम तो चले। नहीं नहीं महाराज, आप जाओ मत, मेरा गृहस्थाश्रम का धर्म है, धर्म का भंग नहीं होना चाहिए। मेरे आंगन पे, मेरी कुटिया पे आज तीन संत बता रहे हैं, और भिक्षा लिए बिना चले जाए वो भी उचित नहीं। लेकिन आपको ऐसे ही भिक्षा लेने में क्या तकलीफ है। नहीं, हमने तो कह दिया जो हमारी शर्त थी। माता अनसुया ने सोचा कुछ है, साधारण बात नहीं है, कुछ विचित्रता है, जो है सो। लेकिन प्रतिज्ञा ले ली, हाथ में जल लिया और प्रतिज्ञा ली कि अगर मेरे पति के चरणों में मन कर्म और वचन से मेरा स्नेह है, और जब से पति से ब्याही हूँ तब से मेरे पति के सिवाय और कोई पुरुष मेरे मन में आया भी ना हो, तो मैं संकल्प करती हूँ ये तीनों पुरुष जो है वो छोटे छोटे 6 महीने के बच्चे बन जाए, और ब्रह्मा विष्णु महेश 6-6 महीने के बालक। समझ गई माता अनसुया, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश है। मैं तो धन्य बन गई, धन्य बन गई मैं, मेरे घर में ब्रह्मा विष्णु महेश भिक्षा लेने आए, और ये भी बच्चे बन गए, तो अब तो चलो बच्चों के साथ आनंद भी कर लेंगे थोड़ा। तो फिर तो माता बच्चों को प्यार से नहलाती है, भोजन कराती है, दूध पिलाती है, अपने साथ ही नहलाती है। ब्रह्मा विष्णु महेश आनंद तो ले रहे हैं, लेकिन मन में समझ रहे हैं कि अब बड़े कैसे हो, हम तो फंस गए, बहुत समय निकल गया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पत्नियां ढूंढने के लिए निकली, सबको पूछते भगवान पता है कहाँ है आपको, बोले आप उसकी पत्नी और आपको पता नहीं है तो हमको कहाँ से पता होगा भगवान का। तीनों नारद के पास जाती, नारद जी आपको पता है। नारद जी बोले, हाँ नारायण नारायण। कहाँ है, बोले मृत्युलोक पर जाओ, वहाँ मिलेंगे अनसुया माता की कुटिया पर, अत्री और अनसुया वहाँ साधना कर रहे हैं, वहाँ है तीनों। लेकिन इतने रुक गए, ये तो आप जाओ तब सब पता चलेगा। तीनों की पत्नियाँ माता अनसुया की कुटिया पर आती है, ब्रह्मा विष्णु महेश पाल पलने में झूल रहे हैं, माता अनसुया बहुत प्रसन्न है। तीनों देवी आकर हाथ जोड़कर पैर पड़कर कहती है कि हमारे पति हैं, अपना परिचय देती है, हमारे पतियों को हमको सौंप दो। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पलने में रो रहे हैं, रोते रोते मानो माँ को विनती कर रहे हैं कि माँ हमें मुक्त करो, मूल स्वरूप में हमको लाकर दे दो, हमारी पत्नियों को जाकर हमारा काम हम आगे बढ़ाए। तीनों देवियों ने कहा कि हमारे पति को दे दो। तब अनसुया माता ने कहा कि मैंने तो कहीं छिपा के रखे नहीं, यहाँ तो है, पलने में तो झूल रहे हैं, अपने अपने पति को पहचान कर ले जाओ, मैंने कब भला ना कहा। असमंजस में है, तीनों खोज कर रही है, तीनों प्रयास कर रही है अपने पति को पहचानने का,
लेकिन पहचान नहीं पाती है। अब क्या करें, कोई रास्ता और कोई रास्ता नहीं। अब तो अनुसुईया के माता के चरण में विनंती करना, ये एक ही तो रहेगा रहा है रास्ता, और रास्ता कोई बचा नहीं। तो तीनों विनंती करते हैं कि कृपया करके हमारे पति को मूल स्वरूप दीजिए, ताकि हम उसे लेकर हमारे लोक में जाए। फिर से माता अनुसुईया ने हाथ में जल लिया, अंजलि भरकर कहा मन कर्म वचन से, अगर मैंने मेरे पति की सेवा की है और मैं पतिव्रता नारी हूँ, तो ये बच्चे मूल रूप में आ जाए। जैसे अंजलि छिड़कते हैं, तीनों देव अपने अपने रूप में आते हैं, प्रसन्न होते हैं। ये देवों की नारियां भी प्रसन्न होती हैं, और प्रसन्न होकर तीनों देव माता अनुसुईया से कहते हैं कि हम प्रसन्न है आपके सतीत्व की परीक्षा लेने हम आए, पहले तो हमें क्षमा कर दीजिए, और हम प्रसन्न हैं, आप जो मांगे वो देने के लिए हम तैयार हैं। तब माता अनुसुईया ने कहा कि अगर आप प्रसन्न हैं तो अब वास्तव में तीनों मेरे बच्चे बनकर आओ मेरे घर। तब दत्त, दुर्वासा और चंद्र, ये तीन स्वरूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश माता अनुसुईया के यहाँ दत्तात्रेय नाम से जन्म धारण करके आते हैं। बोले श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। तात्पर्य कहने का यह है कि नारी क्या नहीं कर सकती है। नारी से नर नीपचे, ध्रुव प्रह्लाद समान, नारी रत्नों की खान है। नारी चाहे तो भगवान को जन्म दे सकती है, नारी चाहे तो भगवान को बच्चा बना देती है, नारी चाहे तो भगवान को स्वयं अपनी मर्जी से अपने घर बुला सकती है। नारी में ये ताकत है, इंसान तो क्या भगवान उसके वश हो जाते हैं। तो मैंने ये चरित्र विशेष करके जानबूझकर, इसलिए इतना विस्तार करके, सब जानते तो है, सब जानते, फिर भी मैंने विस्तार करके कहा कि अगर किसी ने नहीं सुना हो अथवा आपने सुना हो लेकिन विस्मरण हो गया हो, तो ये प्रसंग है माता अनुसुईया का, जो ये प्रसंग आपको विशेष प्रेरणा देगा उत्तम जीवन जीने का, पावन जीवन जीने की प्रेरणा मिलेगी इससे, पातिव्रत के धर्म का पालन करने की आपको प्रेरणा मिलेगी। इसलिए मैंने इस प्रसंग को जरा विस्तार से कहा। आगे बात करते हैं। मनुति सर प्रसूति एक सूता, तेहि को दक्ष बिहाई अज पूता। मनु महाराज की तीसरी कन्या जिसका नाम प्रसूति, उसका यज्ञ तेहि को दक्ष बिहाई अज पूता, उसको ब्रह्मा के पुत्र के साथ, मतलब दक्ष के साथ उसकी शादी कराई। तासे सृष्टि भई विशाला, इससे विशाल सृष्टि प्रसूति नाम की कन्या से ये तीनों लोक भर गए, इतनी संतान हुए। तासे सृष्टि भई विशाला, मति भ्रष्ट भई दक्ष एक काला। प्यारे भक्तों, अब जो प्रसंग आगे बढ़ रहा है वह सती का यज्ञ में प्रवेश और दक्ष के यज्ञ का ध्वंस। एक बार मुनि तीर्थ प्रयाग किए विशाल रूप कयागा। एक बार मुनि तीर्थ प्रयागा, एक बार ऋषि मुनियों ने प्रयाग तीर्थ में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। देव सीत ऋषि मुनि तह आए, शिव निज गण संग सभा में छाए। देव सिद्ध ऋषि मुनि सब यज्ञ में आए, और सदाशिव महाराज स्वयं अपने असंख्य गणों के साथ सभा में छा गए हैं। तेहि सभा में दक्ष पधारे, प्रयाग की उस सभा में दक्ष महाराज का प्रवेश हुआ।
सब वंदन करे, स्तुति अपार, एक के बाद एक के बाद एक प्रजापति थे तो सब वंदन करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, परंतु गुजरते हैं शिव के पास से जैसे, वैसे उसे अपेक्षा की शिव भी खड़े होंगे वंदन करेंगे, ना ना। एक बात याद रखना, लोग आपको महान रूप में स्वीकारते हैं, आपकी महानता स्वीकारते हैं, लोग अगर आपका आदर करे, आपको वंदन करे, ठीक है, उसकी भावनाओं की बात है, अपने अपने श्रद्धा की बात है, अपने अपने आस्था की बात है, लेकिन हमें अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वो हमारे पैर पड़े अथवा क्यों नहीं पड़े, ये ध्यान रखना, साक्षी भाव में रहना, वंदन करे तो भी ठीक, न करे तो भी ठीक, उसके मन में भाव आया, वंदन किया, ठीक है, दे दिया आशीर्वाद, सहज निकल गए, देने वाले कौन, सहज निकल जाते आशीर्वाद, तो अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, अपेक्षा दुख का कारण है। और दक्ष की शिव के पास से जो अपेक्षा थी कि शिव वंदन करे, वह उसके विनाश का कारण बना, याद रखना। शिव के पास से जो निकले तो क्या हुआ, परम स्वतंत्र, परम स्वतंत्र, शिव नहीं उठूं क्रुद्ध भया दक्ष, शिव से रूठूं, परम स्वतंत्र शिव नहीं उठूं, वही तो परम स्वतंत्र है, निराकार ओंकार मूलम तुर्यम गिरा ज्ञान गोदीत मीशम गिरीशम कराल महाकाल कालम भ्रुपालम गुणागार संसार कारम नतोहम विदु सदा शिवे, परम स्वतंत्र है, अपनी मस्ती में मस्त है, निराकार है, ये तो अपनी इच्छा से सगुण रूप धारण करके आए हैं धरती पर लीला करने के लिए। जब शिव उठे नहीं, दक्ष को क्रोध आया, दक्ष ने मान लिया कि मेरा अपमान किया, अरे भाई कोई हमको वंदन नहीं करे इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा अपमान हुआ, उसकी स्वतंत्रता है, उसकी आस्था का विषय है, कोई वंदन न करे तो हमें क्रोध नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ हुआ क्या, दक्ष क्रोधित हो गया, भयानक क्रोधित, यज्ञ से तुमको बहिष्कृत कर हूं, शिव को कह दिया उसने कि मैं तुझे यज्ञ से बहिष्कृत करता हूं, कुलहीन सदा स्मशान जो रहे हूँ, तुझको इतना भी पता नहीं कि मैं दक्ष हूँ और सभा में तूने मेरा अनादर किया, मुझे वंदन करना चाहिए, तो कुलहीन है, तेरा कोई कुल नहीं है, जन्म है ना, जन्म नहीं है तो कुल कहाँ से होगा, तो कुलहीन सदा स्मशान में रहने वाला, तो तुझे कहाँ से ये होगी, ये कहाँ से तुझ में होगी ये तमीज। नंदीश्वर अति क्रोधित भयम, और शिव का जो अपमान हो रहा है इससे नंदीश्वर बड़े क्रोधित हो गए। नंदीश्वर अति क्रोधित भय, दक्ष ने शाप ते ही को दयों, तो नंदीश्वर ने दक्ष को शाप दिया, पाखंडी निंदक अशिष्टा, गण मद पार जटाधारी भ्रष्टा, भृगु संग शिव उपहास अति किन्ना, भृगु सहित सब शिव का भयंकर उपहास करने लगे, क्रोधित नंदीश्वर जो हुआ क्रोधित भया, तो और क्रोधित होने लगे सब, मद गण मद पार जटाधरी भ्रष्टा, तेरे गण मद पार अपार मद होगा तेरे गणों को, जटाधारी जटाधारी रहेंगे, भ्रष्ट रहेंगे, भृगु संग शिव उपहास अति किन्ना, भृगु सहित शिव का भृगु संग अन्य लोग जो शिव का उपहास करने लगे, तो नंदी से भृगु शाप को लिन्ना, तो नंदी ने भृगु को शाप दे दिया कि तू ब्राह्मण है, इसका मतलब ये नहीं कि शिव का अपमान करो, शिव तो ब्राह्मणों के इष्ट देव है, वेद पाठ बरु सत्व तत्व सहिता रहिता, आप ब्राह्मण, भृगु को कहा नंदीश्वर ने कि भले आप ब्राह्मण हो परंतु मेरा शाप है कि आप वेद पाठी भले हो परंतु सत्व और तत्व से रहित हो जाएंगे, सदा भिक्षु कषाय से ग्रहिता, हमेशा भीख मांगते रहोगे, कभी तृप्त नहीं होगे आप, कषाय काम क्रोध आदि से ग्रहित रहोगे, धन हेतु नीच यज्ञ करावा हूँ, धन के कारण आप नीच लोगों का अथवा तो नीच प्रकार का जो यज्ञ जो नहीं करना चाहिए ऐसा यज्ञ कराओगे, ब्रह्म राक्षस बनी नरक में जाओ, और ब्रह्म राक्षस बनकर नरक में जाएंगे, दक्ष तेज हीन भयो मुनिंदा, दक्ष तेज हीन बनेगा और है सब मुनिंद्रा, इंद्र
तो देव सहित सब पशु का रूप धारण करेंगे और आपकी बहुत निंदा होगी। पुनि नंदी को शिव समझाया, नंदी को शिव जी ने समझाया शांत हो जा, ज्ञान मार्ग का बोध कराया, ज्ञान मार्ग का बोध करा के शिव निज धाम संग गण गयो। शिव के सहित सब निज धाम जाते हैं, अपने अपने धाम जाते। शिव द्रोही दक्ष मन ठयो, लेकिन शिव द्रोही दक्ष ने मन में ठान लिया कि मैं महान यज्ञ कराऊंगा और शिव को बुलाऊंगा नहीं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि क्रोध आता है लेकिन क्षणिक, फिर संभल जाते। कुछ लोग ऐसे होते अपमान हो गया, मनुष्य है स्वाभाविक, थोड़ा दुख हुआ लेकिन फिर संभल गए। उसकी ग्रंथि नहीं रखते मन में, गांठ नहीं बांध कर रखते, गांठ नहीं बांधनी चाहिए, परिणाम खराब आता है मन में जो ग्रंथियां रखते हैं। तो यहाँ हुआ क्या, शिव तो अपने धाम पधारे परंतु शिवद्रोही दक्ष मन ठयो, शिवद्रोही दक्ष ने मन में ठान लिया क्या कि मैं कनखल में एक महान यज्ञ करूंगा, शिव को बुलाऊंगा नहीं। कनखल तीर्थ याग निर्धारा, भृगु आदि को ऋत्विज धारा, सहस 88 ऋषि आहुति दाता, 88,000 ऋषि कनखल के यज्ञ में केवल आहुति देने वाले हैं, और 64 सहस साम उद्गाता और 64,000 साम वेद का उद्गान करने वाले। आप सोचिए तो सही, आप किसी का अपमान करने के ध्येय से इतना बड़ा यज्ञ करना, ये कोई समझ की बात मुझे तो नहीं लगती है। किसी को दिखा देने के लिए इतना सब करना निरर्थक है। कितने भी ऋषि 64,000 साम उद्गाता और 88,000 आहुति दाता, आहुति देने वाले 88,000 और 64,000 सामवेद का उद्गान करने वाले, लेकिन उसका ध्येय शांति नहीं, उसका ध्येय पृथ्वी पर सुख और आनंद प्रसरे, ये नहीं है। उसका ध्येय है शिव का अपमान करना। किसी के अपमान के लिए बस इतना सारा झंझट झमेला खड़ा कर रहा है लक्ष्य, ऐसा नहीं करना है। दोस्तों, काफी लोग ऐसे होते हैं दूसरों को दिखाने के लिए ऐसा सब करते हैं, दूसरों को झलाने के लिए ऐसा सब करते हैं। अज्ञान है, ये मूढ़ता है। ऐसी मूढ़ता में से जल्दी बाहर आ जाओ। आप जहाँ हो, जैसे हो, जिस स्थिति में हो, ऐसे खुश रहो। कोई सम्मान दे तो भी ठीक है, कोई अपमान करे तो भी ठीक है, दोनों में साक्षी बने रहो। इतना ही मेरा कहना है इस प्रसंग में से, बाकी कथा तो चलती जाएगी। खैर, आगे बढ़ते हैं। देव सिद्ध गंधर्व को दिए निमंत्रण नहीं एक शिव को, देव सिद्ध गंधर्व आदि को सर्व को निमंत्रण दिया, केवल शिव को निमंत्रण नहीं दिया। मतलब दिखा देना चाहते हैं कि सबको बुलाए हैं, केवल तुझे नहीं बुलाया। शिव जी ने दधीचि स्मरण ते दिलाए। दधीचि परम शिव के भक्त, समझदार लोग भी होते हैं ना, तमाशे में जोड़ने वाले ज्यादा होते हैं लेकिन कुछ समझदार लोग भी होते हैं। दधीचि परम शिव के परम भक्त है, तो शिव जी ने दधीचि स्मरण दिलाए। दधीचि ने सबको स्मरण दिलाया, शिव बिनु याग अपूर्ण कहाए। आप लोग इतने बड़े बड़े लोग आ तो गए यहाँ, सिद्ध देव देवियाँ सब आ गए, ऋषि मुनि, लेकिन कोई तो बोलो कि शिव के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होता है, और आपने शिव को ही नहीं बुलाया। दधी जी ने कोशिश की लेकिन दधी जी की बात किसी ने नहीं सुनी, सबको तमाशा देखना था। और दक्ष तो अहम के जहर से भरा था, रग रग से, वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मूढ़ दक्ष नहीं बात को माना, मूढ़ दक्ष ने बात मानी नहीं, शिव शक्ति का मर्म न जाना। शिव शक्ति की महिमा समझाते हैं दधी जी, पर लेकिन वो मर्म जानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो तो समझता है कि बस मेरा दामाद जटाधारी स्मशान में भटकने वाला, और क्या, वो नहीं आए तो क्या, उसे नहीं बुलाना है। दधी जी उठी, आश्रम चली गयो। दधी जी खड़े होकर
अपने आश्रम पे चले गए यज्ञ को छोड़कर, यज्ञ स्थान को छोड़कर। शिव भक्त सब अदृश्य भयो, शिव भक्त जितने भी थे वे अदृश्य हो गए। सती गंधमादन पर्वत पे रोहिणी गमन देखी कह सखी से, सती गंधमादन पर्वत पर बैठी है, रोहिणी गमन देखी कह सखी से। देवी रोहिणी आदि देवियां जब जा रही है तब सती सखी से पूछती है, सखियों से, ये सब कहाँ जा रही है, विजया जानो गमन कहाँ करूं, ये सब कहाँ गमन कर रही है। पूछी देवी को, मर्म को कहूं, पूछा देवियों को और आकर मर्म बताया सती को। विजया जाने कथा बताई, दक्ष याग की बात सुनाई, विजया ने पूरी बात बताई और दक्ष यज्ञ कर रहा है, शिव जी को नहीं बुलाया है, ये सब बात भी बताई। सती ने सब वृत्तांत को जाना, सती ने पूरे वृत्तांत को जाना, केवल हम नहीं सब सुनाना। अरे बेटी का जीव है ना, थोड़ा पिता का घर याद आ गया, ये सर्वदेव है और केवल हम ही नहीं है। सती ने सब वृत्तांत को जाना, केवल हम नहीं सब सुरनाना, अनेक प्रकार के देव है और केवल हम ही नहीं। सती शिव पर प्रेम से आई, प्रेम से सती शिव जी के पास आती है और पितृगुरु याग की बात बताई और पिता के घर जिस तरह से यज्ञ का आरंभ हो रहा है इसकी पूरी बात बताई, प्रार्थना करी शिव जी से, करी प्रार्थना संग तुम आओ, शिव कहे आप अकेली जाओ। करी प्रार्थना संग तुम आओ, शिव से प्रार्थना करते कि आप मेरे संग में चलो, मेरे पिताजी कनखल में बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, सभी देवगण ऋषिगण मुनिगण सिद्ध गंधर्व सब जा रहे हैं, आप मेरे साथ चलो। तब शिव जी समझाते हैं कि आप अकेले जाओ, मैं नहीं आ सकता। बोले क्यों नहीं आ सकते हैं? शिव जवाब देते हैं, बिना निमंत्रण अन्य घर जाना मृत्यु समति कष्ट अपमाना। बिना निमंत्रण अन्य घर जाना, बिना निमंत्रण किसी के घर जाना यह उचित नहीं। फिर भी चलो एक बार हम चले गए, परंतु अगर जो अपमान हुआ तो मृत्यु से भी ये कठिन है। संभावित को अपयशला हो मरण कोटि दुखदार होंदा, प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान होता है तो करोड़ों मृत्यु का दुख होता है, तुलसीदास जैसा लिखते हैं। यहाँ मैंने कहा है कि कष्ट अपमान, अपमान का कष्ट बड़ा भारी होता है। दुष्ट सुजन सदा अपमान है, दुष्ट हमेशा सज्जन का अपमान करता है। ईर्ष्या से गुण ज्ञान न जाने, दुष्ट के मन में जो ईर्ष्या की आग होती है वह गुण नहीं जानते, ज्ञान को नहीं जानते, उसमें समझ होती नहीं है। बस उसके तो कोई किसी का भला नहीं होना चाहिए, किसी को मान नहीं मिलना चाहिए, मान मिले तो मुझे ही मिलना चाहिए, सम्मान मेरा ही होना चाहिए, ये दुष्ट का स्वभाव होता है। और वो सज्जन का हमेशा अपमान करता रहता है, दुष्ट सुजन सदा अपमान है, हमेशा सज्जन का अपमान करता है। आपको जाना है तो सती आप जा सकते हो, मैं नहीं आ सकता। शिव आज्ञा से सती सिधाई, शून्य मनस्क पितु गृह आई। शिव की आज्ञा लेकर सती तो पिता के घर आती है, शून्य मनस्क जैसी है। मात पिता वंदन सती किन्ना, माँ बाप को वंदन करते हैं। दक्ष ने ते को नादर दिन्ना, दक्ष ने जैसे बेटी की वंदन का भी स्वीकार नहीं किया, अपमान कर दिया, बिना बुलाए तू चली आई है, ठीक है तेरा स्थान लेकर बैठ जा,
यज्ञ मंच देखी भई क्रोधित। परंतु यज्ञ मंच जब देखा, चारों ओर से यज्ञ मंच को देखते सबका स्थान, ब्रह्मा का स्थान, विष्णु का स्थान, इंद्र का स्थान, वरुण का स्थान, वायु का स्थान, ग्रहों का स्थान, देवियों का स्थान, एकमात्र शिव का स्थान नहीं। यज्ञ मंच देखी भई क्रोधित, तटु वचन से पितु संबोधित। मंच को देखकर अत्यंत क्रोधित हो गई, शिव का कहीं स्थान नहीं देखा तो पिता को कटु वचन संबोधन करने लगी। दुष्ट पिता मति भ्रष्ट तुम्हारे है, दुष्ट पिता तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है। निज पितु मात से आज में हारी, परायों से हारते इतना दुख नहीं होता जितना अपनों से हारने में दुख होता है। आज मेरे माँ बाप से, आज पितु मात से आज में हारी, मेरे माता पिता से आज में ये सभा के बीच में हार गई। ब्रह्मादि चल जय पद चिन्ना, सुंदक्ष ब्रह्मादि जिसके चरण चिन्ह पर चलते हैं, ते शिव से तू द्वेष कर लेना, उस महादेव से तू द्वेष करता है, तुझे शरण नहीं आई, तुझे विचार नहीं आया। विष्णु सदा शिव तोरे रक्षक, सती विष्णु की ओर मुड़कर बोलती है, हे विष्णु सावधान, हमेशा महादेव ने तेरी रक्षा की है। दिख नहीं रहा निरक्षीर विवेक, दिख नहीं रहा निरक्षीर निरीक्षक, धिक्कार है तुझे, धिक्कार है तुझे, शरण नहीं आकर यज्ञ में तू बैठ गया। शिव हमेशा तेरी रक्षा करने वाले हैं और तू यज्ञ में आकर बैठा है, यहाँ शिव नहीं है, निरीक्षीर का निरीक्षक भी तू नहीं रहा, तुझे अच्छा क्या, बुरा क्या, सही क्या, गलत क्या, विष्णु होकर तुझे इतना होश नहीं रहा। पंचानन तू भया चतुर्मुख, याद रख, ब्रह्मा की ओर मुड़ती हुई सती कहती है, हे पंचानन तू भया चतुर्मुख, तेरे पांच मुख थे, उसमें तू चार मुख वाला हो गया। तुझे याद है शिव ने तेरा पांचवा मुख उड़ा दिया था, दंड दिया शिव विष्णु सन्मुख, विष्णु के सामने ही तुझे दंड दिया था, ये तू भूल गया। भ्रष्ट भय मुनि तुम धनहीता, हे ऋषि मुनियो, शिव आप सब शिव के उपासक हो, शिव आपके इष्ट देव है और आप पैसे के लिए बड़ी दक्षिणा मिलेगी इस लालच में आप शिव को भूलकर यहाँ यज्ञ कराने आ गए, आपको शर्म नहीं आई। भ्रष्ट भय मुनि तुम धनहीता, पैसे के लिए आप लोग भ्रष्ट बन गए, यज्ञ कराने आ गए, भ्रष्ट हो गए आप, नहीं सोचा निज हित अहिता, अपना हित किस में है, अपना अहित हित किस में है, ये भी नहीं सोचा। क्रूर दृष्टि से दक्ष सती देखा हूं, क्रूर दृष्टि से दक्ष सती के सामने देखता है, निर्लज दक्ष कछु बन नहीं लेखा हूं, लेकिन निर्लज है, इतना क्रोध सती का लेकिन उसको कोई असर नहीं है। शिव निंदा ते ही बहु किन्ना, सती के सामने सभा में अनेक प्रकार से वह शिव की निंदा करने लगा। क्रूर दृष्टि से दक्ष ते देखो, निर्लज दक्ष कछु मन नहीं लेखो, शिव निंदा ते ही बहु किन्ना, शिव निंदा करने लगा अनेक प्रकार से, कहे निमंत्रण मैं नहीं दिन्ना, हे सती सुन, मैंने तो निमंत्रण नहीं दिया था, बिना बुलाई तू भले आई, बिना निमंत्रण तू आ गई तो आ गई, भाग ग्रह निग्रह चले जाई, तेरा भाग लेकर तू तेरे घर चला जा, चल जा, लेकिन यहाँ यज्ञ में ज्यादा इतना बोलने की जरूरत नहीं है। अपमानित सती क्रोधित भय, सती का अपमान हुआ, सती भयंकर क्रोधित हो गई, दक्ष को वचन कठोर अति कहे, और दक्ष को अति कठोर वचन कहे, तुम बिनु शिव विरोधी कौन बने, तेरे बिना कौन शिरो, तेरे जैसे मूर्ख के बिना शिव का विरोधी दुनिया में और कौन बनेगा। दुष्ट श्रेष्ठ की निंदा करूं, ये तो एक परंपरा है कि दुष्ट व्यक्ति हमेशा भले की निंदा करता है और श्रेष्ठ की निंदा करता है, क्योंकि दुष्ट श्रेष्ठ के विकास को देख नहीं सकता है। तुम बिनु शिव विरोधी कौन बनूं, दुष्ट श्रेष्ठ की निंदा करूं, खल कहे भले भेष अमंगलधारी, कह सती भक्त के मंगलकारी। खल है जो दुष्ट पुरुष है, वो लोग भले कहे कि अमंगल स्वरूप धारण करने वाला है, शिव में कुछ नहीं है, परंतु सुन, दक्ष भक्त के लिए तो सदा शिव हमेशा मंगलकारी है। दुष्ट दंड पाओ दुर्बुद्धि, हे दुष्ट, हे दुर्बुद्धि, तूने जो कर्म किया है, शिव का अपमान करवाया है, तो भली भांति तुझे दंड मिलेगा,
भली भांति कर पाप की शुद्धि और वो दंड के बाद ही पाप की शुद्धि होगी तेरी। अब मम देह में कोई प्रयोजन, अब मेरे शरीर का कोई प्रयोजन नहीं, मतलब मेरी जीने का कोई अर्थ नहीं है। त्याग करी कर क्षति का शोधन, शिव ने मुझे समझाया था, फिर भी मैं अकेली चली आई। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी क्षति क्या थी। मैं मेरा देह का त्याग करके मेरी क्षति का शोधन करूँगा, प्रायश्चित करूँगी मैं। शुक्र से तब यह देह को पाया और किस तरह से मैं मेरी क्षति को सुधारना करूँगी। शुक्र से तब यह देह को पाया, तेरे शुक्र से, तेरे बीज से ये मेरे शरीर मैंने पाया है। और इसी वजह से मैं, मुझको शिव पर शक आया था, इसी वजह से मैंने शिव की बात नहीं मानी थी। शिव पर तेही कारण शक आया। पहले भी सीता की परीक्षा लेने में गई थी, तब शिव पर मुझे शक हुआ था कि ना ये भगवान राम नहीं है। इसका कारण कि तेरे जैसे अधम बाप के बीज से ये शरीर उत्पन्न हुआ था। योग मार्ग स्थित मन कर ली नाभ में, संभव नहीं मेरा शरीर में रहना। योग मार्ग में मन को स्थिर कर लिया और यज्ञ में ते खुद ही सदेहा, शिव का स्मरण करती हुई यज्ञ में कूद पड़ती है। हाहाकार हो गया, 20,000 गण सती के साथ थे, सब अपने हाथ पैर अंग काटने लगे, यज्ञ में आहुति देने लगे। शिव स्मरण से देह को त्यागा, जन्म 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 पति रूप शिव बांगा, शिव के स्मरण के साथ देह को त्यागा और जन्म जन्म पर शिव को ही पति रूप मांगा। हाहाकार सभा में भयो, शिव गण ने कर अस्त्र उठायो, कछु निज कर से निज अंग काटे, कछु निज कर से निज अंग काटे, 20,000 गए सती संग आते। कुछ लोगों गणों ने अपने शरीर को काट काट कर सती के साथ अग्नि में फेंका और 20,000 सती के साथ गए थे सब स्वाहा अंग सती के साथ, सब ने अग्नि समाधि ले ली। अन्य ने निज आयुध उठाए, भृगु ने मंत्र से वीर जगाए, कुछ अन्य थे, अन्य भी साथ में थे, उसने आयुध उठाए तो भृगु ने मंत्र से वीर को पैदा किया। शिवगण ने वीर को संहारे, शिवगणों ने वीर का संहार कर दिया, वीरों का त्राही त्राही सब देव पुकारे, सब देव त्राही त्राही पुकारने लगे। नभवाणी भई उग्र सब सुनी, उग्र नभवाणी हुई, उग्र नभवाणी शांत नहीं, उग्र उग्र नभवाणी सुन भई उग्र सब सुनी, यज्ञ छांडी सुर गृह सीधा भई। हे देवगण, आपको अगर जीना है तो यज्ञ छोड़कर घर चले जाओ, बाकी सबका संहार हो जाएगा। शिवगण त्वरित शिव पहाए, शिव के गण त्वरित शिव के पास आते हैं, आदि अंत सब कथा सुनाए, आदि से अंत लेकर सारी कथा सुनाई। रुद्र हृदय में क्रोध अति उमटा, रुद्र के हृदय में पूरी कथा सुनकर सती का अपमान और सती ने देह त्याग किया अग्नि में, यह सब कथा सुनकर जिस तरह गण गए थे और गणों ने अपने हाथ पैर काट के यज्ञ में आहुति दे दी, ये सब सुनकर रुद्र का रौद्र हृदय में, रुद्र वैसे तो शांताकार है, शांत है, फिर भी हृदय में अत्यंत क्रोध उमटा। जटा खोली गिरी पर ते पटका, अपनी जटा खोलते और जटा खोलकर गिरी पर पहाड़ पर जटा को पटकी, दो खंड जटा भई खंडित, दो खंड जटा भई खंडित। जटा जैसे ही पत्थर पे पछाड़ते हैं वैसे जटा के एक भाग में से वीरभद्र प्रकटे और दूसरे भाग में से काली प्रकटे पहाड़ के, एक भाग में से वीरभद्र प्रकटे वीरमंडित, दूसरे खंड से काली प्रकटे भूत सहसो संग्राम प्रति झूठी। भूत पिशाच सब पैदा हुए और संग्राम की ओर, दक्ष के यज्ञ की ओर सब चले। भुज सहस्र प्रयाग्नि रूपा, भुज सहस्र 1,000 भुजा, असंख्य भुजा वाला प्रलयाग्नि स्वरूप वीरभद्र चले। अति यम रूपा, अति यम रूप, यम रूप का भयानक रूप, यमराज ने जैसे भयानक रूप धरा हो इस तरह से आगे बढ़ते संग्राम की ओर। अब तो संग्राम ही होगा, यज्ञ संग्राम में पलट गया। शिव निश्वास से सौज भर प्रगटे, शिव के निश्वास से, क्योंकि सती ने अग्नि में देह त्याग कर दिया, ये सुनकर निश्वास होता है शिव का, और शिव के निश्वास से 100 ज्वर प्रगटे, 100 प्रकार के ज्वर प्रगटे, ताव बोलते गुजराती में। शिव निश्वास से 100 ज्वर प्रगटे, सन्निपात 13 विधि उमटे और 13 प्रकार के सन्निपात प्रकट हुए, ये सब निकले जा रहे हैं
दक्ष के यज्ञ की ओर वीरभद्र रूप पृथ्वी घेरी। वीरभद्र के ऐसा भयानक रूप जैसे पृथ्वी को घेर लिया हो। आज्ञा लिनी वंदी कर जोरी, हाथ जोड़कर आज्ञा लेते प्रभु बताओ मुझे क्या करना है। महाराद्र रुद्र करो आज्ञा, मुझे आज्ञा दो पूरी करूं तव प्रतिज्ञा, तव प्रति प्रतिज्ञा। महाराज आपकी प्रत्येक प्रतिज्ञा मैं पूर्ण करूंगा, मुझे आज्ञा दो मुझे क्या करना है। तब महादेव जी कहते हैं वीरभद्र, महादेव जी कहते हैं तू क्या क्या कर सकता है। तब कहते हैं कि कहो शीघ्र क्षण भर में सागर सुखाई डालो, कहो शीघ्र क्षण भर में, आप कहो तो शीघ्र और एक क्षण में सात समंदरों को सुखा डालो, धन्य है। कहो शीघ्र क्षण भर में सागर सुखाई डालो, पर्वत को पीस डालो, पर्वत को पीस डालू, सर्वलोक झाड़ू में पर्वत को पीस डालू, सर्वलोक को मैं जला दू। कहो तो महेश्वर ब्रह्मांड को उजाड़ डालू, आप कहो तो पूरे ब्रह्मांड को उजाड़ दू। भस्म करू यक्ष देव किन्नर को मारू, मैं देवताओं को भस्म कर दू, यक्ष किन्नरों को मार डालू जिसने भाग लिया है यज्ञ में। कछु ना असंभव अनुग्रह से रुद्रनाथ, हे रुद्रनाथ आपके अनुग्रह से कुछ भी मेरे लिए असंभव नहीं है। जय जय हे भूतनाथ आशीष जो धारू में, जय जय हे भूतनाथ आशीष जो धारू में, कहे शिव भस्म करो। अब महादेव आज्ञा करते सुनो वीरभद्र कहे शिव भस्म करो शीघ्र दक्ष यज्ञ साथ, यज्ञ के साथ दक्ष को नष्ट कर दो, यज्ञ के साथ भस्म कर दो। कहे शिव भस्म करो शीघ्र दक्ष यज्ञ साथ, यज्ञ के साथ दक्ष को भस्म कर दो। दंड दे दुष्ट को ज्ञान को उखारू में, वीर रूप वीरभद्र चढ़े रथ पे मक्थौर प्रति। दंड देने के लिए वीरभद्र रथ पे चढ़ते हैं, वीर रूप वीरभद्र चढ़े रथ पे मक्थौर प्रति, यज्ञ के स्थान की ओर जा रहे वीरभद्र। और चले संग भूत प्रेत गति गात है, और संग भूत प्रेत गति के साथ दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं और गीत भी गा रहे हैं। चित्र विचित्र गीत है उसके, मरसिया बोलते गुजराती में ऐसा गा रहे हैं कुछ। बाघ मगरमच्छ करी सहज संग कालिक, बाघ मगरमच्छ सहित सहस्त्र गणों संग कालिका स्वयं ईशानी कात्यायनी चामुंडा साथ है। ईशानी कात्यायनी चामुंडा सब भयानक रूप के साथ संग है। मुंड मर्दिनी भद्रकाली त्वरिता संगे, मुंड मर्दिनी भद्रकाली का भद्रकाली त्वरिता संगे। वैष्णवी महाकाली नव दुर्गा मात है, वैष्णवी महाकाली नव दुर्गा मात है। डाकिनी शाकिनी प्रेत प्रमत गण गुह्य, डाकिनी शाकिनी प्रेत प्रमत गण गुह्य प्रेत। डाकिनी शाकिनी प्रमत, प्रमत मतलब जो ज्यादा पी ली हो फिर जिसे होश नहीं रहते ना उसे प्रमत कहते। प्रेत प्रमत गण गुह्य क्षेत्रपाल भैरव चटक परपट कुष्मांड है, क्षेत्रपाल भैरव चटक परपट कुष्मांड है, चटक परपट कुष्मांड भैरव क्षेत्रपाल सब जाते हैं यज्ञ के प्रति। गणाधीश सब योगिनी संगा चले क्रोध करी दक्ष मख भंगा। गणाधीश सब योगिनी संगा, योगिनी के साथ सब जितने गणाधीश थे सब निकले क्रोध करके दक्ष के यज्ञ का भंग करने के लिए। करपद को भड़के दक्ष बाएं, ते सब वीर भद्र को दाएं। दक्ष को सब बाएं अंग फड़कने लगे और वीरभद्र को सब दाएं अंग फड़क रहे हैं, मतलब एक को अपशुकन हो रहा है, असगुन हो रहा है हर प्रकार से दक्ष को, और यहाँ सगुन हो रहा है वीरभद्र को। उलक सिवार लारी बहु करें, सियार और उलक लारी करते हैं। उल्का बिच्छू वृष्टि बरसे, आसमान में से उल्का बरस रही है, बिच्छू वृष्टि में बिच्छू की वृष्टि हो रही है। कल्पना तो करो एक बिच्छू देखते तो भी बंदा भाग जाता है, एक आध काट ले तो भी कितनी तकलीफ होती है, तो बिच्छू की तो वृष्टि हो रही है। ऋषि मुनि सूर अति भयभीत भयो, ऋषि मुनि सूर सब भयभीत हो गए, भय असगुरु कछु नासी गए, कुछ लोग यज्ञ छोड़कर भाग गए। दक्ष गया विष्णु के चरण में, दक्ष बचने के लिए भगवान विष्णु के शरण में गया। त्राहि त्राहि कहे अश्रु नयन से, आंख में अश्रु है और कहते बचाओ बचाओ, थोड़ी देर का अहंकार अब भारी पड़ रहा है, बचाओ विष्णु को कहते बचाओ। विष्णु ने अतिशय समझाए, अंत में देव युद्ध में आए, विष्णु ने अतिशय समझाया दक्ष को, और लेकिन युद्ध इतना भयंकर छिड़ गया था कि देवगण भी युद्ध में आए। दुंदु भी डिमडिम शंखरु भेरी, दुंदु भी डिमडिम शंख भेरी, पट श्रृंग भृंग बहुशोरी,
भूत पिशाच प्रेत और वतुगण अनल इंद्र कुबेर लड़े थे संग, वीरभद्र आतंक मचाया मारे कछुक कछुक भगाया। वीरभद्र ने तो आतंक मचाया कछुक मारे कछुक कछुक भगाया। विष्णु संग युद्ध अति भयो, विष्णु संग युद्ध अति भयो, भयभीत हरि रण छाणी गयो। विष्णु के साथ भयानक युद्ध हुआ, परंतु विष्णु भयभीत होकर रण छोड़कर भाग गए कि अब ये मेरा काम नहीं, अब मेरा काम नहीं। विष्णु स्वयं भागे रण मैदान में से। दक्ष का सिर पकड़ी कुंड झारा, वीरभद्र ने दक्ष का सिर पकड़ा और अग्नि कुंड में जलाया। वीरभद्र अट्टहास अपारा, वीरभद्र अट्टहास कर रहा है। मख विध्वंस कर शिवपहाए, मख विध्वंस किया हर प्रकार से। सब आते हैं शिव के पास, वंदन कर शिव आशीष पाए। वंदन करके सब शिव के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। छिन्न भिन्न अंग देव विधि लोका, कह विधि शिव कृपा मिटे शोका। देवताओं का अंग भंग हुआ है, अब क्या करें। बोले शिव की कृपा हो तब सब ठीक हो सकता है। सर्व देव संग हरि कैलासा, सर्व देव हरि के साथ कैलाश जाते। क्षमा याचि कहे शिव तब दासा, क्षमा याचना करते शिव हम तो आपके दास हैं। जय जय महादेवा, सुर कर सेवा ब्रह्म रूप हम जाने। प्रार्थना बड़ी सुंदर है। जय जय महादेवा, सुर कर सेवा ब्रह्म रूप हम जाने। तब माया भारी मोहित कारी, मर्म को नहीं जाने। जग कारण रूपा परम स्वरूपा, नित्य गोचर स्वामी, त्रिकृत्य के कर्ता याग के भर्ता, हरि सदा मनवाणी। जय जय महादेवा, सुर कर सेवा ब्रह्म रूप हम जाने। हे महादेव, हे ब्रह्म रूप, आपकी माया बड़ी मोहित मोह सर्व जीव को मोहित करने वाली है। मर्म को नहीं जाने, को इसका मर्म नहीं जान सकता। आप तो जगत के कारण स्वरूप हो, परम स्वरूप हो, नित्य गोचर स्वामी। इंद्रियों के द्वारा जो देखा नहीं जाता है, इसको समझा नहीं जाता है, ऐसे स्वामी हो। त्रिकृत्य के कर्ता, स्थिति पालन और विनाश, त्रिकृत्य को करता मतलब जगत की उत्पत्ति पालन और विनाश, ये सब करने वाले हो। याग के भर्ता, याग यानी यज्ञ को पुष्ट करने वाले हो। हरि सदा मनवाणी, त्रिकृत्य के करता याग के भर्ता हरि सदा मनवाणी। मैं हम मन और वाणी से आपके शरण में हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हे हरि, अमंगल मंगल कर्म फल जंगल पार करो भगवंता। कर्म फल के जंगल ऐसा घना है जंगल, इसके पार कोई नहीं जा सकता। आप उसके पार करो हमको। पर ब्रह्म परमात्मा अति शांतात्मा, नीलकंठ भजि संता। आप पर ब्रह्म हो, परमात्मा हो, अति शांतात्मा हो, नीलकंठ हो। आपने विश्व के कल्याण के लिए जहर को कंठ में धारण कर लिया। नीलकंठ भजे संता, संता आपको भजते हैं। जय जय बीज रूपा विश्व स्वरूपा, करता धरता संहरता। हे प्रभु, आप बीज रूप हो, आपकी जय हो, जय हो। विश्व स्वरूप हो, करता हो, धरता हो, संहरता हो। पूरे जगत का करता, धारण करने वाला, उत्पन्न करने वाला और संहार करने वाला हो। हव्य कव्य के भोक्ता, यज्ञ सामग्री के परम भोक्ता हो। हव्य कव्य के भोक्ता, ओंकार प्रोक्ता, वेदा स्वधा जग भरता, वेदा स्वधा और जगत का भरण पोषण करने वाले आप हो। सदा यज्ञ के रक्षक, भय क्यों भक्षक। आप तो यज्ञ के सदा रक्षक हो प्रभु। इतने भक्षक रूप क्यों आपने धारण कर लिया, इतने क्रोधित क्यों हो गए। भक्षण शरणागत हितकारी, शरणा आपके शरण में आए उसका आप कल्याण करने वाले हो प्रभु। गौ द्विज के त्राता, पशु के नाता, गायों और द्विजों के तारने वाले और पंचभूत भर
गोद्विज के त्राता, पशु के नाथा, पशुओं के नाथ, पंचभूत के विहारी, पंचभूत में आप विहार करने वाले हो। भीमा, शिव, शंकर, वाम, अघोरा, नाद, विराट, अति रूपा, भीम भी आप हो, शिव शंकर भी आप हो, वाम भी आप हो, अघोर भी आप हो, नाद रूप भी आप हो, विराट भी आप हो और अति रूप भी आप ही हो। जे असुर विदारक, असुरों को दुख दंड देने वाले, नाश करने वाले, जे असुर विदारक, सब सुख कारक, भैरव भानु स्वरूपा, भैरव स्वरूपा और भानु स्वरूपा, भैरव भानु स्वरूपा, मृत्युंजय त्र्यंबक, पाप निकंदक, दया सिंधु शिव रीजे। मृत्युंजय आप हो, त्र्यंबक आप हो, पाप निकंदक, पाप को नष्ट करने वाले आप हो, दया सिंधु भी आप हो प्रभु। अगर आप जुरीजे तो आप पापों का नाश कर देते हो और दया करते हो, आप तो दया के सागर हो। कृपा हम पर कीजिए, आरती लीजिए, हमारे दुख को हर लीजिए, हम पर कृपा कीजिए, हृदय धरी मख कीजिए और हमारी प्रार्थना को हृदय में धारण करके मख को पूर्ण करवाइए। भगनेत्र को दीजिए, भगनेत्र को दीजिए, जीवित दक्ष कीजिए, इंद्र को नेत्र दीजिए, जीवित दक्ष कीजिए, दक्ष को जीवित कीजिए, पशु दंत सब दीजिए, सब दांत तोड़ दिए सबके, उसको सबके दांत दीजिए आप। भृगु स्वरूप कीजिए, भृगु स्वरूप स्वरूप कीजिए, भृगु की दाढ़ी तोड़ खींच लिए उसे स्वरूप कीजिए, अंग सुर दीजिए, क्षमा महामन कीजिए, देवताओं के अंग भंग कर दिए हैं आपके गणों ने, उसके अंग दीजिए और क्षमा कीजिए। मन बड़ा रखो प्रभु, हे महामने आप कृपा करो, आप दया करो, ऐसी प्रार्थना करते हैं भगवान को। प्रभु शांत होते वंदी वंदी स्तुति करी, वंदी वंदी स्तुति करी, बोली पूषा को आप दांत दीजिए, अंगों को देवों को अंग भंग हुआ है वो अंग दीजिए, भृगु की दाढ़ी ठीक कर दीजिए, ये सब स्तुति करी। वंदी वंदी स्तुति करी, विनय कर ही कर छोरी, गद गद सब मोहिनी कहे, कृपा चहु सब तोरी। गदगदित होकर सब कहते हैं, विनय के साथ सब कहते हैं कि कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। तो शिव कहते हैं, कह शिव दक्ष द्वेष फल पाया। बीच में एक कथा छोटी सी, भागवत में ये विस्तार से नहीं आती है क्योंकि भागवत कथा अलग है, ये शिव पुराण में विस्तार से बात आती है। लेकिन संक्षेप में कह दूं कि शिव पुराण ऐसा कहता है कि जब सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को होम दिया और सती का अर्धजलित शरीर है और समाचार जब वीरभद्र से सुना सब, तब शिव जी क्रोधित होकर दक्ष के यज्ञ में जाते हैं और अर्धजलित शरीर सती के शरीर को कंधे पर उठाकर पागल की तरह इधर उधर भटकने लगते। अब करे क्या, शिव को शांत करना अनिवार्य है, शिव अगर शांत नहीं हुए तो त्रिलोक नष्ट हो जाएंगे। तब विष्णु ने इतनी सूझबूझ से, अपनी कलाकारी से ऐसे शस्त्र चलाया कि ऐसे चक्र चलाया कि शिव को ये चक्र नहीं, ऐसे चक्र चलाया कि शिव को चक्र ना न लगे, शिव के कोई अंग को चक्र छुए भी नहीं, केवल सती है जो कंधे पर उसके अंग को काट दे। तो इस तरह से चक्र चलाया कि सती के विविध अंग कटकर विविध जगह पर गिरे और जहाँ जहाँ सती के शरीर के अंग गिरे हैं वहाँ वहाँ शक्तिपीठ हुई, ऐसा कहा जाता है। और उन शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ विशेष रूप, जहाँ सती का हृदय गिरा था, तो माँ का हृदय हमारे पास है गुजरात में, आरासुरी अंबा माता जिसे कहा जाता है, ये शक्तिपीठ है दोस्तों। ये संक्षेप में मैंने कथा कह दी, यहाँ तो विषय आगे बढ़ रहा है। वंदी वंदी स्तुति करी, विनय करे कर झोरी, गद गदित सब मोहिनी कहे, कृपा चहु तोरी। गद गदित होकर सब कहते हैं कि प्रभु आपकी कृपा चाहिए, वंदन करके बार बार स्तुति करते हैं। तब शिव कहते हैं, कह शिव दक्ष
द्वेष फल पाया, ईर्ष्या अहम से दुख उपजाया। कहा शिव दक्ष द्वेष फल पाया। शिव कहते हैं सभा के बीच में कि दक्ष ने उसके द्वेष का फल प्राप्त कर लिया। द्वेष के लिए कोई कारण नहीं होता, ईर्ष्या के लिए कोई कारण नहीं होता। बस कुछ लोगों को ऐसे होते हैं कुछ लोग जन्म से कि किसी का विकास नहीं देख सकते, किसी का अच्छा नहीं देख सकते, किसी का मान सम्मान देख नहीं सकते। बस सम्मान सब मुझे दो। तो सम्मान कोई मांगने की चीज नहीं है। आपकी पात्रता होगी तो अपने आप आपको सम्मान मिलेगा, पात्रता नहीं होगी तो मांगने से मिलेगा नहीं। दक्ष कहेंगे अजमुखधारी आशीर्वाद दिए शिव ने कि द्वेष ईर्ष्या और अहंकार से ये दक्ष ने सारा दुख पैदा किया है, लेकिन मैं आशीर्वाद देता हूँ। दक्ष कहेंगे अजमुखधारी, दक्ष का सर काट कर घूम दिया है अग्निकुंड में, अब तो ये तो मस्तक हम दे नहीं सकते उसको वापस, लेकिन बकरे का मुख उसको चढ़ाकर जीवित करेंगे। तो अज यानी बकरा, दक्ष भयेंगे अजमुखधारी। अज का एक अर्थ ब्रह्मा भी होता है, लेकिन यहाँ हमको बकरा अर्थ लेना है। दक्ष भयेंगे अजमुखधारी, भृगु रहे अज दाढ़ीधारी। भृगु को भी दाढ़ी प्राप्त होगी। सर्वांग सुंदर सुर पावे, देव सर्वांग सुंदर अंगों को प्राप्त करेंगे। मम आशीष स्वरूप हो जाए, मेरे आशीर्वाद से सब स्वरूप हो जाएंगे। दक्ष याग शिव पूर्ण कराया, दक्ष का यज्ञ शिव जी ने पूर्ण कराया। शिव सह वृंद कनखल में आए, सारे समाज के साथ शिव कनखल में आते हैं। शिव आशीष अनुरूप सब भयों यज्ञ पूर्ण कराते हैं शिव जी, और शिव के आशीर्वाद के अनुसार सब कुछ हुआ। दक्ष ने नव जीवन पुनि लयो, और दक्ष ने मान लो नव जीवन फिर से पाया। भगवान विष्णु स्तुति करते हैं। ये ज्ञानी सिंधु नाद बिंदु सर्वश्रेष्ठ शक्ति सिद्धि, मैं मोड़ अज्ञानी अतिशय तुम दयालु गुण निधि। जय हरेश्वरी के नाथ गाए वेद शास्त्र बहुविधि, प्रसन्न हो पर ब्रह्म परमात्मा दीन बंधु दयानिधि। ज्ञान सिंधु ज्ञान का महासागर, नाद बिंदु नाद और बिंदु स्वरूप, सर्वश्रेष्ठ शक्ति और सिद्धि से संपूर्ण। मैं मूढ़ अज्ञानी अतिशय, मैं तो अत्यंत मूढ़ हूँ, अज्ञानी हूँ, अतिशय मूढ़ अज्ञानी। तुम दयालु गुण निधि, आप तो दयालु गुण के भंडार हो। सदाशिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो, सदाशिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। हरे सब पीर भक्तन की दया कर हो तो ऐसा हो। शिरों को काट कर अपना किया जब होम रावण ने, शिरों को काट कर अपना किया जब होम रावण ने, दिया सब राज दुनिया का दिलावर हो तो ऐसा हो। भयंकर जहर जब निकला क्षीर सागर को मथने से, भयंकर जहर जब निकला क्षीर सागर को मथने से, धरा सब अपने कंठों में विषंधर हो तो ऐसा हो। धरा सब अपने कंठों में विषंधर हो तो ऐसा हो। सदाशिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। हरे सब पीर भक्तन की दया कर हो तो ऐसा हो। अतिशय शिशु समभाव से विष्णु स्तुति बहु किं, मोहिनी प्रभु वंदन करे अनुपम आशीष लिन। वंदन के अनुपम आशीष लिन, कैसे स्तुति की? शिशु समभाव, बच्चे जैसे होते हैं ना ऐसे भाव, बच्चे बच्चा बन गए, बिल्कुल समर्पित हो गए, मैं कुछ नहीं प्रभु, जो कुछ आप है। और विष्णु ने इतने भाव से बच्चे की तरह स्तुति की, वंदन किया। तो अनुपम आशीष लिन
जिसकी उपमा नहीं दे सके ऐसे आशीर्वाद प्राप्त किया। और शिव कहते सभा के बीच में, धनी रे सा पुनि शिव सभा संबोधित करे हूँ, दक्ष देव सब ध्यान से सुन हूँ। पुनि शिव सभा संबोधित कर, शिव सभा के संबोधन करने लगे, दक्ष देव सब ध्यान को सुनो। दक्ष और सर्वदेव ध्यान से सुनिए, मैं स्वतंत्र भक्ति आधीना, चार प्रकार भक्त मम दीना। मैं परम स्वतंत्र हूँ फिर भी भक्त के अधीन हो जाता हूँ, भक्त के अधीन। चार प्रकार के मेरे भक्त हैं, जिज्ञासु, आरत, धन इच्छुक और ज्ञानी। जिज्ञासु, कुछ जिज्ञासा होती है मेरे बारे में जानने की, केवल जिज्ञासा, आगे कुछ नहीं। आरत यानी दुखी सांसारिक कारणों से। धन इच्छुक, तीसरा धन की इच्छा रखने वाला। और चौथा ज्ञानी। ज्ञानी प्रिय मोहि सदा निरिच्छुक, ज्ञानी मुझे विशेष प्रिय है क्योंकि वो कभी कुछ चाहता ही नहीं है। आत्म तत्व ज्ञाता में केवल मोहि पावहि ज्ञान भक्ति बल। आत्म तत्व ज्ञाता में केवल, मैं केवल आत्म तत्व का ज्ञाता हूँ, मोहि पावहि ज्ञान भक्ति बल। मुझे पाना है तो ज्ञान और भक्ति के बल से कोई पा सकता है। जप तप जाग वेद नहीं ताना, नहीं साधन कोई ज्ञान समाना। कहाँ बोलते हैं शिव, ये महत्वपूर्ण है। जिस सभा में ब्रह्मा बैठे हैं, जिस सभा में विष्णु बैठे हैं, जिस सभा में इंद्र बैठा है, जिस सभा में देव बैठे हैं और जिस सभा में ब्रह्मनिष्ठ ऋषि मुनि बैठे हैं, उसके सामने शिव बोलते हैं। इसलिए ये भाषा है। तप जप तप जाग वेद नहीं दाना, जप तप यज्ञ वेद दान कुछ भी नहीं, नहीं साधन को ज्ञान समाना। ज्ञान के समान कोई बड़ा साधन नहीं है। मैं विधि हरि रूप पूर्ण आत्मेश्वर, मैं ब्रह्मा विष्णु और रुद्र स्वरूप से पूर्ण हूँ, तीनों के रूप से आत्मेश्वर हूँ, आत्मा का ईश्वर हूँ। दृष्टा पोषक नाशक ईश्वर, मैं सर्व जगत का दृष्टा भी हूँ, पोषक भी हूँ और नाश नष्ट करने वाला ऐसा परम ईश्वर हूँ। रूप भेद से भिन्न सब भासे, देह के अंग भिन्न नहीं तासे। रूप भेद से भिन्न भासे, ब्रह्मा विष्णु महेश सब रूप भेद से, रूप जो है उसका आकार जो इस भेद से अलग भासते हैं। देह के अंग भिन्न नहीं तासे, परंतु शरीर से शरीर के अंग को भिन्न नहीं माने जाते जब तक ये जुड़े हैं तब तक। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीन रूप होने पर भी मैं एक ही हूँ, जैसे शरीर और शरीर के अंग, वैसे विधि हरि हर एक रूप, वैसे विधि हरि और हर सब एक रूप। कब हुन मानो हुले भिन्न रूप, उसे कभी भिन्न रूप नहीं समझो। दुष्ट नीच बुद्धि कहे भेदा, नीच बुद्धि और दुष्ट बुद्धि भेद करती है कि ये ब्रह्मा है विष्णु है। ये नीच बुद्धि वाले और भेद बुद्धि वाले ऐसे बातें चलाते हैं, टुकड़े करते हैं लोगों का, भगवान का टुकड़ा करते हैं, फिर लोग भी टुकड़े टुकड़े में बट जाते हैं संप्रदायों में। दुष्ट नीच बुद्धि करे भेदा, शांति नष्ट करे नरक दुख खेदा। और फिर क्या होता है, शांति नष्ट होती है और नरक का दुख प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा भक्ति बिना हरि भक्ति न पावहि को, विष्णु भक्ति बिनु मम भक्ति कबहु प्राप्य न होइ। ब्रह्मा भक्ति बिना हरि भक्ति न पावहि कोई, हरि की भक्ति बिना ब्रह्मा की कोई भक्ति करता है
तो कोई फल नहीं मिलता। विष्णु भक्ति बिनु मम भक्ति, और मेरी भक्ति के विष्णु की भक्ति के बिना कोई मेरी भक्ति करता है तो उसे भी कभी परमात्मा नहीं मिलते। कहने का तात्पर्य तीनों ही रूप में एक समान, तीनों ही रूप को एक समान देखना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। एक कहे ब्रह्मा को मैं मानता हूँ, दूसरा कहे मैं तो वैष्णव हूँ, विष्णु को मानता हूँ, शिव का नाम भी नहीं लेते। ऐसे कट्टर विष्णु भी देखे मैंने, वैष्णु भी कट्टर देखे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आत्मभाव सब जग जीव रखूं, शिव कहते हैं सगत जगत के सर्व जीवों में आत्मभाव रखना। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि सर्वात्मने नमः, सर्वात्मने नमः, लेकिन समझे कौन? आत्मभाव सब जीव जीव रखूं, जगत के सर्व जीवों को आत्मभाव से देखना। तीन हूँ देव में भेदन करूं, सो शांति मुक्ति पथ गामी, सो शांति मुक्ति पथ गामी, मोहि प्रिय यह शिख अनुगामी, मोहि प्रिय यह शिख अनुगामी। जो आत्मभाव से सर्व जीव में जगत को देखता है, एक स्वरूप है यह जगत सारा, एक ही स्वरूप है, ऐसे भाव से जो देखता है और त्रिदेव में जो भेद नहीं करता है, वह शांति प्राप्त करता है और मुक्ति के पथ पर जाता है। हरि निंदक मम भक्त कहावा, सोनर का बहु मोहिन पावा। हरि की निंदा करने वाला मेरा भक्त कहलाता है तो, और कितनी भी मेरी भक्ति करता है तो भी मुझे कभी प्राप्त नहीं हो सकता। यत्र पूर्ण मिटा भया शोका, श्री देव गए निज निज लोका। इस तरह से शिव ने सबको समझाया, ज्ञान दिया और भय मिट गया, सबका दुख दूर हुआ। देव हर्षित होकर अपने अपने लोक में गए। शिव कैलास स्मरण सति करहुं, लौकिक लीला हेतु दुख भयो। शिव कैलास स्मरण सति करहुं, लौकिक लीला हेतु दुख भयो। शिव सती का स्मरण करते 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 कैलाश गए, और ये सब लौकिक लीला है, लौकिक लीला है तो दुखी भय हुए, तो लौकिक लीला कर रहे इसलिए दुखी थे, बाकी शिव को दुख स्पर्श नहीं कर सकता। आगे कहते हैं, यह कथा यश आयुष संपति, संतति स्वर्गदायिनी पावही श्रोता वक्ता दो, भक्ति शिव अनपायिनी। यह कथा यश आयुष संपत्ति संतति स्वर्गदायिनी। जो भी कथा आपने सुनी, कथा का फल देते हुए वेद व्यास जी कहते कि यह कथा यश आयुष्य संपत्ति संतति और स्वर्ग को देने वाली है। सबको कुछ न कुछ तो चाहिए, तो जो सकाम भक्ति करने वाले हैं उनको भी कुछ फल दिया है। यह कथा यश देने वाली है, आयुष बढ़ाने वाली है, संपत्ति देने वाली है, संतान देने वाली है और स्वर्ग देने वाली है। पावही श्रोता वक्ता दो, भक्ति शिव अनपायन। ये बढ़िया बात आई कि पावही श्रोता वक्ता दो, श्रोता और वक्ता दोनों शिव की अनपायनी भक्ति प्राप्त करेंगे। दोनों को फल दिया, अनपायनी जो सुनने वाले उनको भी, और कहने वाला ज्यादा श्रम करता है फिर भी दोनों को फल समान दिया। ये तो शिव है ना, इसलिए भेद नहीं कर सकते। यह स्वयं पावन पावनी सुख कारिणी दुख हारिणी, स्वयं पावन कथा स्वयं पावन है और पावन करने वाली है, सुख कारिणी है, दुख को हरने वाली है। पढ़ी पढ़ावई कथा ताही मोहिनी मोक्ष कारिणी। यह कथा जो अध्ययन करेगा या तो किसी से पढ़वाएगा, अध्ययन करवाएगा, यह पढ़ी पढ़ावई कथा तो ताही, जो ये कथा कहलवाएगा या खुद पढ़ेगा तो मोहिनी मोक्ष कारिणी, ये मोक्ष देने वाली कथा है। प्रसंग आगे बढ़ता है मनु महाराज की ओर, सृष्टि की पृथ्वी की जल पृथ्वी की स्थापना की, वराह ने मृत्यु के ऊपर जल को स्थिर किया, फिर मनु महाराज को
राजा बनाया और कहा कि आप मनुष्यों की सुखाकारी को देखो। मनु की तीन पुत्री आकुति, देवहूति, प्रसूति, तीनों की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं मनु महाराज के पुत्रों की कथा की ओर। मनु महाराज का एक बड़ा बेटा जिसका नाम था उत्तानपाद। मनुष्य रूपा के दो सूता, मनुष्य रूपा के दो सूता। मनु और शत्रुपा के दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। द्रुप उत्तान पाद दो रानी, सुरुचि सुनुंती सुरुचि सुनीती, रूप गुण खानी सुरुचि सुनीती रूप गुण खानी। फिर क्या होता है ये बात थोड़ी देर के बाद बताएंगे। धन्यवाद।